तस्कर के सुअरों पर सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, 5 सुअर और उनके मददगारों को धर दबोचा। तो वहीं पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान नहीं आ रहा है बाज, भारत की सीमा में भेजे ड्रोन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, बीते कुछ दिनों में आप देखेंगे तो भारतीय सेना के द्वारा लश्कर के सुअरों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करी गई है और इसके लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2400 घंटे मुस्तैद रहती है। इसके पश्चात भारतीय सेना ने एक हफ्ते में लश्कर के लगभग 5 की संख्या में खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनको मदद पहुंचाने वाले मददगार भी उनके साथ ही दबोचे गए हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से घाटी में सेना को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू कश्मीर के बारामूला के उत्तरी इलाके में भारतीय सेना के द्वारा लश्कर के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनके मददगार भी धर दबोचे गए हैं। दरअसल दोस्तों, ये पूरा वाकया सोमवार का है जहां पर सेना को उत्तरी बारामूला में आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी और वहां पर जैसे ही सेना ने चौतरफा सर्च ऑपरेशन चलाया तो 2 आतंकी एक मददगार के घर में छुपे हुए थे और सेना के आते देख इन्होंने भागने का प्रयास किया, परंतु जवान इनको चौतरफा तरीके से घेर के रखे हुए थे जिसके चलते इनको दबोच लिया गया, साथ ही इनके मददगार भी दबोचे गए हैं। तो दोस्तों, घाटी में बहुत ही बड़ी सफलता मिली है जिसमें लश्कर के आतंकियों को चुन चुन कर सेना या तो ठिकाने लगा रही है या फिर वो खुद ब खुद सेना के समक्ष घुटने टेकते जा रहे हैं। दोस्तों, इनके पास में भारी मात्रा में गोला बारूद ही बरामद हुआ है जिसको सेना ने अपने अंडर में ले लिया है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो यह निकल के आ रही है पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर से। दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया गया है जिसके चलते पाकिस्तान के 2 से 3 की संख्या में ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। इसके पश्चात बीएसएफ हरकत में आई और इन ड्रोनों पर ओपन फायरिंग की गई। स्क्रीन पर आप इंडियन डिफेंस न्यूज का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें इस पूरी घटना का विस्तृत वर्णन दिया गया है। और इससे पहले कि बीएसएफ के द्वारा इन ड्रोनों को मार के नीचे गिराया जा सकता, ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की ट्री में चले गए। परंतु दोस्तों, बीएसएफ को ऐसी आशंका है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से भारत में भारी मात्रा में नशीली दवाएं और हथियारों को आतंकियों को सप्लाई करने के लिए आए थे, परंतु बीएसएफ की सजगता के चलते यह साजिश नाकाम हुई। बाकी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।